वी फोर के ओनर्स बाद में मत बोलना मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में तुमको नहीं बताया, और चीज के बारे में अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि तुम्हारी बाइक का इंजन उड़ जाए, बत्ती गुल। तो प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं कहाँ से हुई। जब से शुरू हुई है गर्मियाँ R15 का जो इंजन है ओवरहीट कर रहा है। ओवरहीट क्यों कर रहा है? क्योंकि रेडिएटर अच्छे से काम नहीं कर रहा, और रेडिएटर अच्छे से काम इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि फ़ैन हो चुका है पूरी तरीके से जाम, ठीक है। और ये प्रॉब्लम जो है बहुत अच्छे और बड़े लेवल पर आ रही है। मैंने जब इस प्रॉब्लम को फिक्स कराने के लिए बाइक शोरूम में दी थी तो सेम प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी R15 ऑलरेडी शोरूम में खड़ी थी। इस वजह से क्या हुआ था कि जो वो फ़ैन है, वो जो पार्ट है उसका, वो पूरा स्टॉक में हो गया था शॉर्ट। अगर मैं उस पार्ट को बाहर से ला के लगवाता तो मेरे लगते 2,000 से 2,500 रुपये प्लस लेबर चार्जेस अलग से। इस वजह से मैंने करा 5 दिन का वेट, और मेरा जो था पूरा काम 0 रुपीज़ में हुआ, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा, एकदम मुफ्त हुआ। तो अगर तुम्हें शॉर्ट वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। इस चीज़ से जुड़ी कंप्लीट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।